हेलो गाइस, वेलकम टू एजुमित्रा। तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास टेंथ मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है रियल नंबर्स, या बेसिकली इस चैप्टर का सेकेंड इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर नहीं देखा जिसमें मैंने पूरा रियल नंबर्स क्या होता है इसे एक्सप्लेन किया है, तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैं आपके लिए उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो पिछले लेक्चर्स में हम बेसिकली पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स के बारे में। फिर हमने पढ़ा लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिविजन लेमा क्या होता है। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एल्गोरिथम। तो देखते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। तो एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो यह एल्गोरिथम बेसिकली एक सेट ऑफ स्टेप्स होता है, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तरीके होते हैं, जिससे हम एक सर्टेन टाइप के प्रॉब्लम को, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो इस चैप्टर में जो हमें एल्गोरिथम दिया है वो है यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम बेसिकली है क्या, इसे देखते हैं। तो यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक, एक बेसिकली एक टेक्निक है टू फाइंड द HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन नंबर्स। तो यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम बेसिकली किस में हमें हेल्प करता है, यह एक टेक्निक है जिससे हम दो नंबर्स का HCF फाइंड कर सकते हैं। लेट हम नंबर लेते हैं A एंड B। तो यहां हमारे पास एक कंडीशन है कि A शुड बी ग्रेटर देन B, तब हम आसानी से उसका HCF फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें थ्री स्टेप्स आते हैं, स्टेप्स देखते हैं। स्टेप वन, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम लगाना है। अप्लाई यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम टू A एंड B। सेकेंड स्टेप क्या आता है, अगर डिविजन करने के बाद रिमाइंडर हमारा जीरो आता है, तो जो B होगा वही हमारा हो जाएगा HCF ऑफ A एंड B। अगर हमारा जीरो नहीं आता है तो हम स्टेप कंटिन्यू करेंगे टिल रिमाइंडर इज जीरो। तो हम इस स्टेप तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं आ जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट A इज इक्वल टू 100 एंड B इज इक्वल टू 40। हमें इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं। 40 डिवाइडेड बाई 100, तो हमें क्या करना है, बेसिकली फर्स्ट स्टेप में इसको अप्लाई करना है। चलिए डिवाइड करते हैं। 40 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 80, हमारे पास आया 20। तो हमने क्या देखा कि हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, तो हमने क्या करेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे। तब 20 डिवाइड को हम करेंगे 40 को 20 से डिवाइड। तो यहाँ 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 40। तो हमने देखा कि हमारा रिमाइंडर जीरो
आ चुका है, तो इस केस में हमारा एस सी एफ ऑफ ए एंड बी यानी एस सी एफ ऑफ 140 आ जाएगा 20। तो आपने देखा यहाँ कितनी आसानी से हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से किसी भी नंबर का एस सी एफ फाइंड कर लिया है। तो चलिए एक और नंबर कंसिडर करते हैं, सपोज ए इज 25 एंड बी इज इक्वल टू 5। तो इस केस में हम डिवाइड करेंगे 5 25 5 25। तो यहां हमारा देखा कि रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो इस केस में एस सी एफ 25 एंड 5 हमारा बेसिकली आ जाएगा बी जो कि है 5। लेकिन अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम ये स्टेप्स कंटिन्यू करते जाएंगे जैसे हमने यहाँ किया, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। यही कहता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बेसिकली हमने देखा कि एल्गोरिथम क्या होता है, यानी सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिवन मेथड फॉर सॉल्विंग ए सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। हमने देखा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, जिससे हम किसी भी टू नंबर्स का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नाइन्थ क्लास में आपने काफी सारे थ्योरम पढ़े होंगे, तो इस थ्योरम के अनुसार बेसिकली यह थ्योरम कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर आपको पता होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, यानी वह नंबर जिसका मोर देन टू फैक्टर्स हो। फॉर एग्जांपल हो गया हमारा 10 12 14। अगर आपने हमारे रियल नंबर्स का इंट्रोडक्टरी चैप्टर नहीं देखा है जिसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में समझाया है, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके वहां से भी देख सकते हैं या चैनल पर भी चेक कर सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो फैक्टराइजेशन होता है वो बहुत यूनिक होता है अपार्ट from the order in which the prime factors occur। तो यहां बेसिकली कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये बहुत यूनिक होता है। चलिए एक नंबर कंसिडर करते हैं जैसे 50। हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 50 2 25 5 5। तो 50 को हम बेसिकली लिख सकते हैं 2 multiplied by 5 into 5। तो यहां हमने देखा कि कैसे एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए। और सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो इसको हम बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 multiplied by 5 multiplied by 5 हो या 5 multiplied by 5 into 2 हो या 5 multiplied by 2 into 5 हो, आंसर हमारा 50 ही आएगा। तो यहां हमने देखा कि ये बहुत यूनिक होता है, हम इसको इसका ऑर्डर तो चेंज कर सकते हैं लेकिन इसके दूसरे नंबर चेंज नहीं कर सकते, यानी यहाँ 5 और 2 के बदले और कोई नंबर नहीं आएगा, जैसे 3 नहीं आएगा, 7 वगैरह वगैरह और कुछ नहीं आएगा, ये बहुत यूनिक होता है। और एक नंबर कंसीडर करते हैं
जैसे हमारे पास है 70, 70 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं 2, 35, 5, 7, तो यहां बेसिकली हमारा आ जाएगा 2 × 5 × 7, या हम इसको 5 × 2 × 7 या 7 × 5 × 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 2, 5 और 7 छोड़कर बाकी और कोई नंबर नहीं आएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहता है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये बहुत यूनिक होता है कि इसके बदले दूसरा कोई नंबर वहां नहीं आएगा, सिर्फ उसका ऑर्डर ही चेंज होगा। तो अब बात आती है इसकी, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशन की। तो ये बेसिकली हम यूज करते हैं किसी भी नंबर के एससीएफ या एलसीएम को निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम इसका यूज करके किसी भी नंबर का एससीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी बेसिकली हमने देखा कि कैसे हम यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम से किसी भी नंबर का एससीएफ निकाल सकते हैं। अब देखते हैं फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक के क्या क्या एप्लीकेशन है और इससे क्या क्या निकाल सकते हैं। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ। तो देखते हैं ये एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। सो एचसीएफ होता है बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। एलसीएम हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। तो हमने यहां एक चीज नोटिस किया कि हम एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं और एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर। एचसीएफ में हम कॉमन प्राइम फैक्टर लेते हैं और इसमें ईच प्राइम फैक्टर यानी सारे के सारे ही जो नंबर इसमें ऑकर करते हैं उसे हम ले लेते हैं। तो चलिए इसको एक हम बेसिकली एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है 12, 15 और 21। अगर हम 12 का प्राइम फैक्टर करें तो हमारा आएगा 2 × 2 × 3। अगर हम 15 करते हैं तो हमारा आएगा 3 × 5। अगर हम 21 करते हैं तो हमारा आएगा 3 × 7। तो 12 को हम बेसिकली लिखते हैं 2² × 3, क्योंकि यहाँ 2 times है, और ये बेसिकली हमारा 3 × 5 और 3 × 7 है। अगर हमसे पूछा जाए कि इसका हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो हमने पढ़ा किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके प्रोडक्ट करते हैं उसके स्मॉलेस्ट पावर का। तो चलिए आइए इसको देखते हैं, और वो सब में कॉमन होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं हमारा बेसिकली 2 का स्क्वायर तो इसमें है, लेकिन इन बाकी में 2 नहीं है, तो 2 हमारा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यहां 3, 3, 3 तो एक हमारा आ गया 3 कॉमन, यहाँ 3, 3 और 3। इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं, इसमें 7 है लेकिन और किसी में नहीं, तो हमारा बेसिकली यहाँ एचसीएफ आ जाएगा 3। तो हमने देखा कि कैसे हम एचसीएफ निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर करते हैं। तो यहाँ कॉमन हमारा तीनों में आया 3, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3। अब एलसीएम देखते हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं।
तो चलिए इसका ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं। तो इस हमने देखा कि यहाँ 2 का ग्रेटेस्ट पावर है 2, तो हम लेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 तीनों में कॉमन है और 3 का ग्रेटेस्ट पावर है 1, तो हम 1/3 लिख देंगे। फिर हमारा आता है 5, फिर आता है हमारा 7, तो हमारा बेसिकली होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, सो 4 3 is 12 एंड 12 5 is 60, सो 60 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज 420। तो हमने देखा कि हमारा SCF इस नंबर का आ चुका है 3 और हमारा LCM आता है 420। तो यहाँ हमने देखा है कि कैसे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का इस्तेमाल करके किसी भी नंबर का SCF और LCM निकाल सकते हैं। LCM और SCF किसी भी नंबर के LCM और SCF में एक रिलेशन होता है और उस रिलेशन को जानना हमें बहुत जरूरी है। चलिए उस रिलेशन को देख लेते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है A एंड B। चलिए एग्जाम्पल्स देख के समझते हैं। सपोज हमारे पास है 45 और हमारे पास है 15। तो अगर हम 45 का फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास आता है 3 3 × 5, 5 3 = 15, 15 3 = 45। अगर हम 15 का करें तो हमारे पास आता है 3 × 5। तो अगर हम इसका HCF की बात करें तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा आता है 3, इसमें कॉमन है और इसमें कॉमन है 5 और 5, तो 5 × 3 = 15। अगर हम LCM की बात करें तो हाईएस्ट पावर 3 का है 3 के स्क्वायर, हम 3 का स्क्वायर लेते हैं और 5 का हाईएस्ट पावर है 1, 3 के स्क्वायर इज 9 × 5, तो इसका LCM हो जाएगा हमारा 45। तो यहाँ A कंसीडर करते हैं 45 को और B होगा हमारा 15। तो इसको देखते हैं इसका रिलेशन क्या होता है। तो SCF of A and B into LCM of A and B is equal to product of A and B, यानी किसी भी नंबर के दो नंबर्स का, ये तीन नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसी भी दो नंबर का SCF और उसके LCM को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर वो आता है। तो चलिए इसको चेक करके भी हम देख लेते हैं। तो हमारा अभी A और B का SCF आया है हमारा 15 और इसका LCM आया है हमारा 45। अगर हम इसका प्रोडक्ट ऑफ A एंड B देखें तो प्रोडक्ट ऑफ A हमारा है 45 और B हमारा है 15। तो आपने देखा कि यहाँ LHS और RHS हमारा दोनों बराबर है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमने ये सही है, यानी SCF of two numbers into LCM is always equal to product of numbers। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ा अल्गोरिथम के बारे में, यानी the series of well defined steps which gives a method of solving a certain type of problem, Euclid division algorithm के बारे में जिससे हम किसी भी दो नंबर का SCF निकाल सकते हैं। फिर हमने पढ़ा fundamental theorem of arithmetic के बारे में, यानी every composite number can be expressed or factorized as a product of primes and this factorization is very unique apart from the order in which they occur। फिर हमने पढ़ा इससे हम LCM और SCF किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं और हमने देखा कि SCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स और LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। और हमने देखा एक रिलेशन के बारे में SCF LCM और नंबर्स के, यानी SCF ऑफ टू नंबर्स इंटू LCM ऑफ देम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो यहाँ हमने बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है।
अगले लेक्चर में हम इसका एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे और उसके आगे वाले लेक्चर्स में हम इसके सारे एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन स्टे क्रिएटिव, कीप लर्निंग एंड मोस्ट ऑफ ऑल हैव फन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।